Thank you.
दिस गन। मैंने एक आर्टिस्ट से सुना था कि पेंटिंग में ब्लैक कलर नहीं यूज करते, बहुत सारे, नॉट वन बट मैनी, कलर को जब डार्क करना है तो यू यूज ब्लू या लिटिल बिट ऑफ ब्राउन। ठीक है, बात समझ आती है कि गैरिश लगते हैं या कलर डजंट जेल विद अदर कलर। लेकिन जैसे मीडियम्स में आप ट्राई करते हो, फॉर मी इट वॉज एक्सपेरिमेंटल आर्ट, आप प्रिंट मेकिंग में जाते हो या कहीं और मीडियम देखते हो तो आप देखते हो कि ब्लैक एंड व्हाइट भी इतनी खूबसूरती है, व्हाट इज रॉन्ग विद ब्लैक। वो ठीक है, इंडिया में हम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे चीज़ों के साथ हमें लगाव है, लेकिन जो खूबसूरती आपकी ब्लैक एंड वाइट, चाहे वो आप सिनेमा लीजिए चाहे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी देखिए आप पुरानी, या अपनी फोटोग्राफ देखिए ब्लैक एंड वाइट इरा के, देखिए व्हाट ब्यूटी इज देयर इन दैट। जैसे पराग ने सही कहा कि वैल्यूज, तो मुझे समझ आया कि चारकोल को एक सेकेंड ग्रेड मीडियम क्यों समझा जाता है व्हेन इट कम्स टू आर्ट। सबसे पहले आप आर्टिस्ट ग्रेड करते हैं ऑयल पेंटिंग्स, वी हैव सीन, चाहे वो यूरोप है, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे इंडिया में है, ठीक है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, बट चारकोल को एक सेकेंड दर्जा दिया जाता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि भाई पेस्टल्स, अपनी कंट्री में पेस्टल आर्टिस्ट भी बहुत कम, और पेस्टल आर्टिस्ट मैंने पराग का बहुत देखा, पराग से सीखा हाउ टू यूज पेस्टल्स। आप देखते हैं कि इट इज सो मैजिकल एंड आई नेवर न्यू कि चारकोल का कभी करूँ। तो मेरा मन में था कि एक पेस्टल का कैंप जरूर करवाना, आई हैव बीन इंसिस्टिंग सिंस लास्ट, लेकिन इस बार पर जब बॉम्बे मुलाकात हुई तो जस्ट स्ट्रक मी लेट्स डू चारकोल। चारकोल इज अ मीडियम विच इज इजीली एक्सेसिबल, विच एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, आपको बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, अगर ना भी काम किया हो स्केचिंग में वो भी कर ले, एनी आर्टिस्ट कैन डू इट चारकोल। और पराग के साथ कंडीशन ये थी कि कैंप तब भी होगा जब आप आओगे, दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड था आई नेवर न्यू सो मेनी आर्टिस्ट आर देयर, आई न्यू फोर फाइव ऑफ यू जो मेरे कैंप में आते हैं और काम किया है, पहले निलेश का मैंने देखा हुआ है, रमेश जी का देखा हुआ है, गायत्री जी का देखा हुआ है, दुर्गेश का, अतुल का मैंने हवेली में करवाया था, लागौर की हवेली, ही यूज चारकोल इन हिज पेंटिंग, सो आई न्यू ही यूज इट चारकोल, तो इसलिए उनको बुलाया एंड आई वॉन्टेड टू मेक दिस कैंप ऑल इंक्लूसिव, जिसमें आपके सीनियर मास्टर आर्टिस्ट भी हों, आपके मिडिल स्टेज वाले आर्टिस्ट भी हों, सीखने वाले भी हों, बिकॉज जो आदान प्रदान एक कैंप में होता है, जो सिनर्जी बिल्ड होती है, बिल्ड लॉट ऑफ, हम काम तो अपना अपना करते हैं तो ठीक है, बट लॉट ऑफ इंटरेक्शन में यू सी आप ये काम आप देखते हैं, देखो कि कितने खूबसूरत है, शायद मैं बोलूँगी इसका एग्जीबिशन करेंगे आप जरूर करेंगे, उदयपुर से ही हम स्टार्ट करेंगे फ्रेम करके, इट विल बी अ यूनिक एग्जीबिशन, आई डोंट थिंक सो मैंने कई और वर्क देखा हूँ, इंडिविजुअल वर्क्स भी देखे होंगे बट नॉट ऑल पुट टुगेदर, एंड आई एम श्योर अपने देश में और भी कलाकार होंगे जो इसमें आपूर्ति में करते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि हमारे देश में चारकोल सोसाइटी नहीं है आर्टिस्ट की, तो हमें सबसे पहले एक चारकोल आर्टिस्ट की एक सोसाइटी बनानी चाहिए, सो दैट वी प्रमोट दिस। आई थिंक इट इज वेरी इजी टू इनिशिएट इवन अ चाइल्ड इनटू दिस फील्ड।
अब जो और मैंने बहुत सारे एक दो लोगों को देखा गांव में बैठे हैं, वो जमीन पे चाकू से फिगर कुछ बनाई। आई रिमेम्बर इन हॉस्टल एक लड़की होती थी, उसने दीवार पे एक फेस किया हुआ था, जस्ट इट सिंपल चाकू जो किचन से उठा के कोयला उसे किया हुआ। आई यूज टू गेट वेरी फैसिनेटेड, अच्छा किया हुआ दीवार पे रैंडम उसे। तो दिस इज समथिंग आई थिंक वी हैव टू अप्रिशिएट और बड़ा मिलता है। तो मैं तो कहूंगी कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस ऑल्सो टू ब्रिंग अ लाइफ चारकोल। और बैसून कल्चरल सेंटर इज एनरिच्ड टू हैव योर गुड वर्क्स इन आर कलेक्शन। और हम बड़े गर्व से आपको हमेशा याद रखेंगे, आपका काम शोकेस करेंगे और देखेंगे कि आपका काम बहुत दूर दूर तक जाए उसका भी पूरा प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पे और भी एक्टिविटी होती रहेगी। आई वुड लाइक कि अपने स्टाइल में आप वर्कशॉप्स कर सकते हो, बच्चों को सिखाएं, बड़ों को सिखाएं, सीनियर सिटीजन्स को सिखाएं। कुछ नहीं चाहिए, एक सिंपल स्केच बुक एंड चाकू लेके बैठिए, सिखाइए। आई रिक्वेस्ट एनीबडी हु वांट्स टू कम एंड डू अ वर्कशॉप, हम अपने उदयपुर में या स्टेट्स वी कवर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, दीव एंड राजस्थान, कहीं भी करवा सकते हैं। एंड वी वुड लव टू डू इट इन बॉम्बे इन स्लम्स चलो। स्लम्स में या कोई लेस प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स बच्चों के लिए कहीं भी हो, कोई ऑफनेज हो, अभी हमने एक ऑफनेज के साथ इनकी वर्कशॉप कराई स्कूल के बच्चों के साथ। दैट वेंट ऑफ वेरी वेल, बच्चे इतने मस्त हो गए थे। एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू गिव अ फीलिंग टू देम, आर्ट इज फॉर एवरीबडी, आर्ट इज नॉट फॉर गैलरीज, आर्ट इज नॉट फॉर कोनीजियस। वो ठीक है, आर्ट सर्वाइवल के लिए हमें उनकी भी जरूरत पड़ती है, हमें आर्टिस्ट भी अच्छे चाहिए, आर्ट अप्रिशिएट करने वाले भी चाहिए, आर्ट कलेक्टर्स भी चाहिए, हमें आर्ट एक अच्छी जगह पहुंचे वो भी चाहिए। आर्टिस्ट को संतुष्टि तभी होती है जब उसकी कला एक बहुत अच्छी जगह पर। तो आर्टिस्ट कहता है मुझे कुछ भी मत दीजिए, बस यदि आर्ट ले जाओ एक अच्छी जगह। इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस, है ना, बहुत बार हम कलेक्शन के लिए। आई एम श्योर कि ये बहुत मीडियम आगे बढ़ेगा, हम और लोगों को और आर्टिस्ट को इसके साथ समेटते हुए एक और बड़ा आयोजन हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, जहाँ बोलोगे वहीं करेंगे। एंड माई नेक्स्ट एजेंडा वुड बी कलर्ड पेस्टल्स, कलर्ड पेस्टल्स। थैंक यू।